हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। हाँ जी, वाइट बोर्ड क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स। बहुत दिनों बाद आज मार्कर के साथ हैं और वाइट बोर्ड पर एक हेडिंग भी पड़ी हुई है, यानी आज हम वापस आ गए हैं अपने वो होता है ना टीचर स्टूडेंट वाले मोड में। ना भैया, मेंटोर है, मेंटोर बनाए रखो, वो पुरानी पाठशाला वाली पद्धति में मत ले जाओ। यानी मेंटोर है, चिल मारो यार, मेंटोर को मेंटोर बनाए रखो और आराम से पढ़ते रहो। आप सोचोगे रिटन एग्जामिनेशन तो दे दिया, अब कितना दिमाग खाएगी, कितना पढ़ाएगी, जब देखो तब ये याद कर लो, ऐसे याद कर लो, वैसे याद कर लो, क्या कर लो क्या कर लो, बस यही बोलती रहती है। अभी हमारे वो MNS वॉरियर्स भी हैं जिनका रिटन एग्जामिनेशन 21 में आएगा। यानी MNS वॉरियर्स, ऐसे MNS वॉरियर्स जो कि अपना एग्ज़ाम 21 में देंगे, दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना एग्ज़ाम 2020 में दिया तो था, बट somehow वो कहते हैं ना कि नैया मझधार में गोते खा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि पार लगेगी कि नहीं लगेगी। ये उनके लिए भी है कि अगर यार कट ऑफ थोड़ा 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो गया ना, तो गर्दन पे फांसी लटकी है, चढ़ेंगे कि नीचे उतरेंगे, बस वही वाली कंडीशन है। तो उसी वही वाली कंडीशन 2020 में आए तो चलो ठीक है, लेकिन 21 में ना आए उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कोई भी कैंडिडेट हो आप, आइदर ऑफ 2020 और या फिर 21, दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। ये वीडियो सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ भी पढ़ा रही, ऑनलाइन कोर्स भी बता रही है, क्या डिफरेंस है? तो देयर यू विल गेट PDF नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर। आपको वहाँ पे PDF नोट्स भी मिलेंगे ईच एंड एवरी लेक्चर के, साथ ही साथ यू विल गेट टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, एंड यू विल हैव 1-to-1 कॉन्वर्सेशन देयर। वहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन क्लियर योर डाउट्स देयर। तो ये एक थोड़ा फ़ायदा रहता है। साथ ही साथ यूट्यूब से आप समझते हो कि दिस इज़ एंड ऑनलाइन मीडियम, ये एक ऑनलाइन मीडियम है, यू कैन नॉट क्लियर योर डाउट्स हेयर। एंड हाँ, हम कमेंट्स के, हम जितने भी कमेंट्स होते हैं उनके रिप्लाई करते हैं, बट ना उतना कमेंट आप करते हो कि इतना क्लियरली आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को नहीं रख पाते हो। साथ ही साथ वी आर ऑल्सो अनेबल टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। हम भी अनेबल हो जाते हैं कि आपके सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर करें। तो ऑनलाइन कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू मेक अस अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी, और यू कैन, इफ़ यू वांट टू गिव अस अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी। सो आवर नंबर इज गिवन देयर एंड यू कैन गेट आवर नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। देखो बच्चों, एक अच्छे मेंटोर का रोल क्या होता है, चलना तो सभी को है, मंजिल सभी की सेम है, रास्ता भी सभी का सेम है, लेकिन जो एक अच्छा मेंटोर होता है वो आपके रास्ते को आसान बना देता है। रास्ते को आसान बनाता है अपनी सही गाइडलाइन से, सही गाइडेंस से, कि आपको कब क्या कैसे करना है। जब एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और हम एक सही स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, सही पाथ फॉलो करते हैं, तो वो रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता है। मंजिल सभी की एक है, कुछ को उस मंजिल को पहुँचने में कम समय लगता है और कुछ को कई साल लग जाते हैं। यानी कि सम कैंडिडेट्स कैन अचीव द गोल विद इन अ ईयर विद इन अ प्रिपरेशन ऑफ फ्यू मंथ्स, बट सम कैंडिडेट्स कैन अचीव द सेम गोल विद द प्रिपरेशन ऑफ 2 or 3 months आफ्टर 2 or 3 attempts। तो ये फ़र्क होता है कि एक अच्छे मेंटोर का, कि एक अच्छा मेंटोर आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। ये नहीं कह रही कि आई एम अ वेरी गुड मेंटोर और आई एम समथिंग बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, नो। बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अस अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी, अवर नंबर इज़ गिवन देयर। You can WhatsApp me, you can call me or whatever. No mediator will come between us. You will have directly conversation with me. So that my number which is given on you in the description box. चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। और
वीडियो पसंद आता है, आर्टिकल समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स पढ़ रहे थे बच्चे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये पॉलिटी वाला आर्टिकल नहीं, ये इंग्लिश वाला आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी आर्टिकल का नाम लो, बच्चों के दिमाग में दो क्वेश्चन आ जाते हैं, यार ये पॉलिटी वाला आर्टिकल पढ़ाने जा रही है कि इंग्लिश वाले आर्टिकल। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिकल्स विच यू विल स्टडी और विच यू हैव स्टडीड इन योर इंग्लिश। आपने अपनी इंग्लिश में पढ़ा होगा कभी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल। ये वीडियो आपका पार्ट वन है आर्टिकल को, ठीक है? दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ द चैप्टर आर्टिकल्स। चलो, आर्टिकल्स को यू कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है? कौन कौन सी? डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, बेसिकली आर्टिकल्स को आपने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? टू। यू हैव डिवाइडेड आर्टिकल्स इनटू टू कैटेगरीज, वन इज डेफिनेट एंड अनदर वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इंग्लिश में आर्टिकल कितने होते हैं? ए एंड द। आर्टिकल कितने हुए इंग्लिश में? तीन, ए एंड और द। घूम फिर के जितना भी खेल है ना, इन्हीं का है, यानी खेला तो इन्हीं का है। किसका किसका? ए एन और दा का। जितने भी रूल्स लगेंगे इन्हीं के यूजेस पे लगेंगे कि इनको कहाँ यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और किस टाइप के सेंटेंसेस में इनका यूज़ होना है। सारा जितने भी रूल्स हैं इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। बेसिकली इन्हीं आर्टिकल्स को, इन तीन आर्टिकल्स को वी कैन डिवाइड देम इनटू थ्री टू कैटेगरीज, वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल एंड अदर वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? दैट इज़ द, जिसको हम दी भी बोलते हैं। कुछ लोग दी बोलते हैं, दा बोलो, दी बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो क्या करना है, टिक करना है एक ऑप्शन को, ठीक है? और वो भी जब समझ में नहीं आएगा तो जय माता दी। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। चलो, डेफिनेट आर्टिकल इज़ द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल आर ए और एन। ए और एन क्या है? हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, और दा जो है हमारा वो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है? अब हमने इन्हें डेफिनेट और इनडेफिनेट क्यों कहा, कैसे कहा, वो बात करते हैं। हम किसी नाउन के आगे यूज़ करते हैं आर्टिकल्स का। जैसे बॉय एक नाउन है, ठीक है? हम यहाँ पे, यानी आर्टिकल्स आर यूज बिफोर अ नाउन। आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? दे आर यूज बिफोर अ नाउन। आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है एक नाउन के पहले, ठीक है? नाउन के पहले क्या यूज़ किए जाते हैं? आर्टिकल्स। तो जब एक आर्टिकल किसी अनिश्चित यानी इनडेफिनेट चीज़ को रिप्रेजेंट करे, इनडेफिनेट नाउन को रिप्रेजेंट करे, देन दैट आर्टिकल इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल। बट व्हेन एन आर्टिकल इज़ रिप्रेजेंटिंग एनी डेफिनेट नाउन, देन दैट आर्टिकल इज़ नोन एज डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है? यानी जब आर्टिकल किसी अनिश्चित नाउन की तरफ रिप्रेजेंट करता है, को रिप्रेजेंट करता है, तब वो कैसा आर्टिकल होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। या फिर जब कोई आर्टिकल किसी डेफिनेट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तब वो आर्टिकल होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? हमारा द, और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? हमारा ए और एन। यानी अनिश्चित चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है, और निश्चित चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? यानी जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, वेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग एनी डेफिनेट और पर्टिकुलर थिंग, देन वी यूज़ दा, एंड वेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग एनी इनडेफिनेट थिंग और एनी कॉमन थिंग, देन वी विल यूज़ आर्टिकल्स ए और एन, ठीक है? तब हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तब हम दा का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ? क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? आर्टिकल्स कितने हैं? तीन हैं, ए एंड दा। आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ करते हैं? बिफोर द नाउन, किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसके बाद आर्टिकल्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं,
डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होते हैं द, और इनडेफिनेट आपका आर्टिकल कितने हैं, दो हैं, ए और एन। ठीक है, ये बातें हमने अभी तक करी। आगे बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ ए। ए का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों, ए का पहला अगर हम रूल देखें यूज़ करने का, कि ए कहाँ यूज़ किया जाता है। ए रिप्रेजेंट होता है किसी सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए यूज़ होता है किसी सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी जब आप किसी सिंगुलर नाउन, यानी ऐसा नाउन जो कि संख्या में कितना है, एक है, जब आप किसी सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करते हो, देन यू हैव टू यूज़ आ देयर। वहाँ पे आ और एन यूज़ होते हैं। अभी बताएंगे कि आ कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, बट बोथ द आर्टिकल्स ए और एन आर यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर नाउन। ये कहाँ यूज़ होते हैं, किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ होते हैं। प्लूरल नाउन के पहले कभी भी ए या फिर एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये संख्या में एक होने का रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब हम ए और एन का यूज़ करके किसी नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो नाउन संख्या में कितना है, एक है, यानी कितना है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के आगे हम क्या लगाते हैं, ए या फिर एन, डिपेंड करता है आगे के रूल्स पे कि हमें कहाँ पर ए यूज़ करना है और कहाँ पे एन यूज़ करना है। चलिए बात करते हैं ए कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बच्चों ऐसे देखो, बात करने को, रूल्स को बढ़ाने को हम कितने भी रूल्स बढ़ाते जाएं, ठीक है, लेकिन मेन फंडा एक ही है। मेन फंडा क्या है, ए और एन का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, किसी भी नाउन के पहले, या फिर आर्टिकल्स यूज़ होते हैं किसी भी नाउन के पहले। ए और एन को, ए को कहाँ यूज़ करना है, एन को कहाँ यूज़ करना है, एक ही फंडा है, और इसी फंडे से डिपेंड करते हुए कितने भी रूल्स बढ़ाए जा सकते हैं। अब वो फंडा क्या है, कि यू हैव टू प्रोनंसिएट दैट पर्टिकुलर नाउन इफ़ द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन इज़ बिगनिंग विद द साउंड ऑफ वॉवल्स। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एन, और इफ़ द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन इज़ बिगनिंग विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स, देन वी यूज़ आ देयर। यानी जब हमें किसी नाउन को प्रोनंसिएट करना है, नाउन के प्रोनंसिएशन में अगर स्वर की साउंड आ रही है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्वर की साउंड से, तब हम उस नाउन के पहले एन यूज़ करते हैं। और अगर किसी नाउन के प्रोनंसिएशन में, जो उसका प्रोनंसिएशन वो स्टार्ट हो रहा है हिंदी के व्यंजनों के उसके साथ, प्रोनंसिएशन साउंड के साथ, तो हम वहाँ पे ए का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम, अब कितने भी रूल हम बना दें, फंडा ए की फॉलो होना, आओ देखते हैं। सबसे पहले डैश बॉय, देखो लकीली ये भी कॉन्सोनेंट। अब वॉवल कितने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच वॉवल होते हैं हमारे इंग्लिश में, और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट। बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। हिंदी में हमारे कितने स्वर हैं, 11, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ। यानी यहाँ पे थोड़ा अंग्रेज़ ना बनिएगा, थोड़ी अपनी कलाकारी ना दिखाइएगा, हिंदी के स्वरों को ध्यान में रखिएगा और हिंदी के व्यंजनों को ध्यान में रखिएगा। अगर इंग्लिश में आपने किसी चीज़ को प्रोनंसिएट किया है और उसका प्रोनंसिएशन जो साउंड आ रही है वो हिंदी के स्वरों की आ रही है, तो वहाँ पे एन यूज़ करिएगा। और अगर प्रोनंसिएशन में जो साउंड आ रही है वो व्यंजन की आ रही है, हिंदी के व्यंजन की, तो क्या यूज़ करेंगे, ए। यानी यू हैव टू प्रोनंसिएट द गिवन नाउन एंड द इफ द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट गिवन नाउन इज बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ वॉवल्स, हिंदी वॉवल्स, देन यू हैव टू यूज एंड इफ द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन इज बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, हिंदी कॉन्सोनेंट, देन यू हैव टू यूज आ। ठीक, यही एक रूल है, यही एक फंडा है, जिसको हम कई सब रूल्स बना के बता सकते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलरली यही चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो देखो, डैश बॉय, ठीक है, बॉय, हमने जब इसको प्रोनंशिएट किया क्या आया, बॉय। सबसे पहले तो देखो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, यानी क्या यूज़ होगा, ए या फिर एन। अब सिंगुलर है तो चलो मान लिया ए और एन यूज़ होगा। नाउ ए और व्हाट वी हैव टू यूज़, आइदर ए और एन, व्हाई, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगुलर नाउन, ये एक सिंगुलर नाउन है, सो विच आर्टिकल वी हैव टू यूज़, ए और एन। Now we will focus on the pronunciation of this word, boy, boy. Yani the pronunciation of boy is starting with the sound of ba. That is a vyanjan.
बाकी साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्या है, एक व्यंजन है। व्यंजन के साउंड से जब कोई नाउन स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, अ, यानी अ बॉय। सिमिलरली अ गर्ल, गर्ल को प्रोनंशिएट करो, गर्ल, गर्ल, ग, यानी दैट इज़ अ व्यंजन इन हिंदी। हिंदी के प्रोनंसिएशन के स्टार्ट व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ। नाउ हैव अ लुक ऑन इंक पॉट, इंक पॉट, डैश इंक पॉट, इंक, ई, दैट इज अ स्वर इन हिंदी एंड द प्रोनंसिएशन इज स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ हिंदी वॉवल। हिंदी के वॉवल के साथ साउंड इसकी स्टार्ट हो रही है, प्रोनंसिएशन स्टार्ट हो रहा है। देन वी विल यूज एन, एन, ठीक है। नाउ हैव अ लुक ऑन दिस, वन आइड मैन, वन आइड मैन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी कितनी आँखें हैं, एक ही आँख है, ठीक है। वन आइड मैन, वन, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, सबसे पहले वन, ये याद रखोगे कि जिस भी वर्ड के पहले आप आर्टिकल यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड ओनली। उसके बाद कितने सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं आपको, नो, डजेंट मैटर। उसके बाद कितने भी सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं आपको, उससे नहीं मतलब है। द प्रोनंसिएशन, आपको किसकी प्रोनंसिएशन की ध्यान रखना है, द वर्ड विच, फॉर विच यू हैव टू यूज़ आर्टिकल, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड बिफोर विच यू हैव टू यूज़ एन आर्टिकल। तो आपको यहाँ पे वन के पहले यूज़ करना है आर्टिकल एंड आप वन को प्रोनंशिएट करोगे, वन। तो द साउंड इज ऑफ हिंदी कॉन्सोनेंट, साउंड किसकी है, हिंदी कॉन्सोनेंट की। सो यू हैव टू यूज़ आ, वाई, बिकॉज द साउंड इज ऑफ वा एंड वा इज़ अ हिंदी कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आ। बट फोकस ऑन दिस थिंग दैट इज वर्ड वन, आ, वन इज स्टार्टिंग विद द वॉवल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश, बट द साउंड इज ऑफ वा, दैट इज़ व्यंजन इन हिंदी। स्टार्ट तो इंग्लिश के वॉवल के साथ हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, हिंदी के व्यंजन की। इसी वजह से हम यहाँ पे आ यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एन, एन की जगह पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, आ का। तो ए हो, एन हो, यूज़ किसी भी चीज़ का हो, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन एक्चुअली टू जनरल रूल्स। जब कभी भी आ और एन का यूज़ करना है तो दो जनरल रूल्स को ध्यान में रखना है। पहला जनरल रूल क्या है, द नाउन शुड बी सिंगुलर, नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एंड जिस पर्टिकुलर वर्ड के पहले आपको आर्टिकल यूज़ करना है उसके प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना है। अगर प्रोनंसिएशन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, हिंदी के स्वरों से स्टार्ट हो रहा है प्रोनंसिएशन उसका साउंड, तो यू हैव टू यूज़ एन, स्वरों से स्टार्ट हो रहा है तो एन का यूज़ करना है। और अगर हिंदी के व्यंजन के साथ उसकी साउंड स्टार्ट हो रही है तो आपको आ का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स कितने भी हो सकते हैं, अ बॉय, अ गर्ल, एन इंक पॉट, अ वन आइड मैन। बहुत कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते थे यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म में भी ये यू क्या है, हमारा एक वॉवल है इंग्लिश का, लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है, यू, या की। तो ये क्या है, एक हिंदी के व्यंजन की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वी आर यूजिंग आ हियर, आ यूनिफॉर्म। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आ यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूरोपियन में भी हम आ लगाते हैं। वाई, बिकॉज यूरोपियन इज़ स्टार्टिंग विद ई, दैट इज़ अ वॉवल, बट द साउंड इज़ ऑफ कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट की साउंड है यू, या, इस वजह से वी आर यूजिंग आ यूरोपियन। बट एन अमेरिकन, अमेरिकन इज़ स्टार्टिंग विद ए एंड दिस इज़ हैविंग अ साउंड ऑफ हिंदी वॉवल, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एन अमेरिकन, बट अ यूरोपियन। Both the words are starting with the vowel of English, but they are giving different sounds they are, and so we will use different articles and for both this words. Okay, so I hope this much rule is clear to you. I hope the use of a or an is clear to you. A or an में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत common जो mistake करते हो और exams में काफ़ी पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। Abbreviations जितने होते हैं उनमें बेसिकली ये पूछा जाता है, जैसे एम ए और बी ए, दैट इज़ मास्टर्स ऑफ आर्ट एंड बी ए इज़ बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। एम ए और बी ए ये क्या है, हमारे एब्रीवेशंस हैं, ठीक है। अब इनके पहले आपको आर्टिकल लगाना होता है। एम ए यानी ऐसा पर्सन, दैट इज़ एन एम ए, ये क्या है, कोई एक पर्सन है जिसने अपने एम ए पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है इन आर्ट्स में,
तो वो क्या है, एमए हो गया है, और ऐसा कोई पर्सन जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इन आर्ट्स, तो ही और शी इज़ बीए। ठीक है, अब इनके पहले आपको आर्टिकल यूज़ करना है, तो फोकस ऑन द प्रोनंसिएशन। फोकस किस पे करो, प्रोनंसिएशन पे करो। एन एम ए एम ए एम ए, तो जो एम है एम अ एम, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के स्वर की प्रोनंसिएशन के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। लेकिन जब बी ए की बात आती, बी ए बी यानी ब, हिंदी के व्यंजन के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे आई यूज़ करेंगे। यानी वी कैन यूज़ एब्रीवेशन बिफोर, वी कैन यूज़ आर्टिकल बिफोर एन एब्रीवेशन ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द साउंड ऑफ प्रोनंसिएशन। हम एब्रीवेशन के पहले भी आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी साउंड कैसी आ रही है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द रूल्स ऑफ यूजेज ऑफ ए और एन। ए और एन के यूजेज के रूल्स के साथ आप क्लियर होंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट आफ्टरवर्ड्स, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बींग विद अस। हिट द लाइक बटन इफ यू आर क्लियर विद द रूल्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड टू शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट। आवर कॉमेंट सेक्शन इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। And if you want to prepare for MNS 21 with us, our number is given in description box. Thank you for watching, and don't forget to subscribe the channel as well. Okay. Thank you everybody for being with us. Thank you so much. Now you can take a screenshot. Have a screenshot.